के बच्चों देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, आपने देखा फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ फोर्स में देखा कंटैक्ट फोर्स में, नॉन कंटैक्ट में क्या क्या होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग जस्ट प्रीवियस जस्ट अभी पढ़े हैं, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़े हैं हम लोगों ने। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फोर्स को 12 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंटैक्ट फोर्स की बातें हुई, उसमें नॉर्मल, टेंशन ना, स्प्रिंग फोर्स और कंटैक्ट फोर्स आया, उसे आगे डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करूंगा। टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में हमने देखा। अब हमारा पॉइंट टॉपिक क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया किसे कहते हैं? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी मैटर का प्रॉपर्टी होता है। जिस किसी भी ऑब्जेक्ट में मास है वो मैटर है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर है। तो ये मैटर का प्रॉपर्टी होता है। क्या है इसका प्रॉपर्टी? किसी मैटर का ऐसा प्रॉपर्टी है जो किसी अपने में चेंजिंग का अपोज करता है, अपोज करता है, किसी भी टाइप के चेंजिंग का अपोज करता है। इस प्रॉपर्टी को, उस मैटर के इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनर्शिया। ठीक है बच्चों, उसे इनर्शिया कहा जाएगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप चेंज करने जा रहे हो, उसका पोजीशन चेंज करें तो वो अपोज करेगा। पोजीशन चेंज करो, यहां से जब तुम डिस्प्लेस करोगे, आप इधर डिस्प्लेस कर रहे हो तो वो इसे अपोज करेगा, उसके अपोजिट में वो, जितना आप इसको फोर्स अप्लाई करोगे इधर, उतना ही वो अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगा, उसका रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। ठीक, तो ये जो प्रॉपर्टी होता है मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच में, मैटर में जो ऐसा प्रॉपर्टी होता है, ये उस मैटर का इनर्शिया नेम दिया गया, इनर्शिया। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आप उसे जाओ आप पुश करो, वो अपोज करेगा। जिस रेशियो में फोर्स अप्लाई करोगे, उसी रेशियो में, जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे उसी रेशियो में वो रिएक्ट करेगा। मान लो मैं 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, वो 3 न्यूटन ही रिएक्ट करेगा। 4 न्यूटन रिएक्टन रिएक्शन है, 5 न्यूटन। लेकिन जैसे ही मेरा फोर्स ज्यादा होगा, अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा, बस वो बॉडी मूव करने लगेगा। लेकिन रिएक्ट तो किया, अपने में चेंजिंग का अपोज तो किया। इसका मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। अगर मोशन में है तो मोशन में चेंजिंग का अपोज करेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में के चेंजिंग को अपोज करो, वो अपोज करेगा। रेस्ट को अगर आप चेंज करने जा रहे हो तो उसका अपोज करेगा वो। आप जिधर फोर्स अप्लाई करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई करेगा, वो भी रिएक्ट करेगा। इसे ही इनर्शिया कहा जाता है, इनर्शिया। ठीक है बच्चों, तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण हमारे डेली लाइफ में कहां यूज है इसका? डेली लाइफ में इनर्शिया का कहां पे यूज है? जब आप ब्लैंकेट में, ब्लैंकेट को जब आप किसी रॉड से, ब्लैंकेट को रॉड से बीट करते हो, मारते हो, तो क्या होता है? डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्लैंकेट का पार्टिकल मोशन में आ जाता है और डस्ट पार्टिकल वहां रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए डस्ट पार्टिकल को बाहर होना पड़ता है। सोचो जरा, अगर ब्लैंकेट के पार्टिकल के साथ वो डस्ट पार्टिकल भी वाइब्रेट करता, मोशन में आ जाता, दोनों अगर मोशन में होता तो क्या बाहर होता? वो नहीं हो सकता था। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल देखिए, कोई मैंगो एक ब्रांच से लगा हुआ है, जब आप इस ब्रांच को मोशन में लाओगे, ब्रांच के साथ साथ अगर ये मैंगो भी मोशन में आ गया तो क्या कभी ये टूटेगा? नहीं टूटेगा। लेकिन होता क्या है, यहां मैंगो रेस्ट में रहता है और ब्रांच मोशन में आ जाता है। मैंगो तो इनर्शिया को फॉलो कर रहा है और ये मोशन में आ गया, इसका कारण है कि इसे बाहर होना पड़ता है, टूट जाता है। तो इनर्शिया का मेन रोल है हमारे डेली लाइफ में, बहुत ज्यादा यूज होता है इनर्शिया का। जब आप बाइक चलाते हो, बाइक पे बैठे हुए हो, अचानक से ब्रेक लेते हो, तो क्या होता है?
बाइक के साथ साथ आपका बॉडी भी मोशन में रहता है। जितना बाइक का स्पीड है उतना ही आपके बॉडी का भी स्पीड रहता है। कम स्पीड रखोगे आपके आपका बॉडी का भी कम स्पीड होगा। आपका स्पीड ज्यादा है, अब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो अचानक से वो रेस्ट में आएगा, बाइक रेस्ट में आ गया, लेकिन आपका बॉडी तो मोशन में है, बॉडी तो मोशन में है, बॉडी का क्या ब्रेक अप्लाई किया आपने? नहीं। तो बॉडी में क्या होगा? बॉडी जो मोशन में है, एक पार्ट रेस्ट में आ गया, दूसरा मोशन में है, तो वही वो बाहर चला जाता है। घुड़सवार को देखते हो, हॉर्स राइडर्स जो भी है, उसमें क्या होता है, घोड़े के अचानक रुक जाने से घोड़ा रेस्ट में आ गया और उसका बॉडी मोशन में है, इसलिए वो बाहर जाके गिरता है। जब आप कार में बैठे हुए हो, आगे को ड्राइवर सीट पे बैठे हुए हो, बेल्ट लगाने के लिए क्यों करता है? जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो आपका बॉडी मोशन में है, मोशन में, गाड़ी तो रेस्ट में आ गई लेकिन आपका बॉडी मोशन में है, इसलिए बाहर फेंका जाओ, बाहर चले जाओ, और बेल्ट लगा हुआ तो रुक जाएगा वहां। ठीक है, तो ये बातें मेन रोल है इनर्सिया का डेली लाइफ। तो देखिए इनर्सिया क्या होता है ये देख लेते हैं, इनर्सिया के टाइप को देख लेते हैं। इनर्सिया इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यानी एन ऑब्जेक्ट विच विच ऑलवेज अपोजेज एनी चेंज इन इट्स पोजिशन इट्स पोजिशन अपने पोजिशन के किसी भी चेंजिंग का ये अपोज करता है। नेचुरल प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है इनर्सिया। This property of matter is called inertia. ठीक, इसका मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही जाना चाहेगा, मौसम है तो मौसम में ही जाना चाहता है। ठीक, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्सिया, प्रॉपर्टी को ही तो इनर्सिया कहते हैं, इसलिए ड्यू टू इनर्सिया एन ऑब्जेक्ट Always opposes any change in its rest position. और एनी चेंज इन इट्स मोशन। ठीक, अपने मोशन का हमेशा ये अपोज करता है, मोशन में चेंजिंग का अपोज करेगा, ये इनर्सिया के कारण से होता है।
जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करोगे ना, मान लो एक ग्राउंड है, इस पर एक आपने ब्लॉक रखा जो रेस्ट में है, आप इस पे जब फोर्स अप्लाई करो तो ये रिएक्ट करेगा इधर, ठीक, इधर रिएक्ट करेगा, इनर्शिया का ऐसा होगा। जब कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मोशन चेंज हो रहा है, जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो उसका स्पीड में कमी आएगी, लेकिन उसका वो पोज करेगा, इनर्शिया का है। इट इज टू टाइप्स, ओके, इनर्शिया का इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। मैं पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बताऊंगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इससे पहले हम लोग इसके एग्जांपल को देखिए, इनर्शियल का एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ इनर्शिया। एप्लीकेशंस ऑफ इनर्शिया क्या है? पहला, व्हेन ब्लैंकेट इज बीटन बाय रॉड देन डस्ट पार्टिकल away from blanket, why, ऐसा क्यों होता है? जो कारण होगा because due to inertia पार्टिकल्स ऑफ ब्लैंकेट, डस्ट पार्टिकल because due to inertia, dust particles want to be at rest and blanket particles come in motion after beating जब हम इसे पीटेंगे तो ऐसा होगा, डस्ट पार्टिकल रेस्ट में जाना चाहता है और ब्लैंकेट का पार्टिकल्स मोशन में आता है, इसलिए डस्ट पार्टिकल बाहर हो जाता है। कॉज पता चल गया ना आपको। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, दूसरा एप्लीकेशन क्या है इनर्शिया का? जब आप मैंगो को, मैंगो जो ब्रांच से ज्वाइंट है, अटैच है, व्हेन ब्रांच
attached with mango is moved second. Okay, जब इसे आप हिलाओगे अप एंड डाउन, moved up and down, moved up and down, then mango is fallen why mango क्यों गिर जाता है इससे, इसका कॉज होगा क्या, क्योंकि मैंगो ब्रांच मौसम में आ जाता है और मैंगो रेस्ट में आना चाहता है, बिकॉज ड्यू टू इनर्सिया मैंगो ट्राई टू बी at rest but branch is in motion branch is in motion so मैंगो इज फॉलन, इसलिए मैंगो गिर जाएगा, ठीक है अच्छा। जैसे एग्जांपल देखा आपने, थर्ड एप्लीकेशंस भी देख लीजिए, जब बाइक बाइकर्स जब मूव करता है तो बाइक और ड्राइवर दोनों का बाइकर्स का मौसम सेम रहता है, ऐसे दो एप्लीकेशंस काफी है आगे बहुत सारे एग्जांपल्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है इसे नोट करिए, इनर्सिया का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस से मिलकर जो भी थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस का से बना हुआ एक ऐसा फ्रेम जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को शो करता है, okay? जो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को शो करता है उसे हम कहते हैं, इधर देखिए क्या है ये, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस, ठीक है बच्चों, क्या एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना, ये एक्स ये वाई और ये बाहर की ओर जेड एक्सिस है, थ्री डी वेक्टर में पढ़ा होगा आपने, वेक्टर में पढ़ा था, वेक्टर के लेक्चर्स को देखिए वहां क्लियरिफाई हो जाएगा। ये फ्रेम है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजिशन शो करने के लिए इस फ्रेम की जरूरत होती है, इसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है या कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, लेकिन अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है, इस फ्रेम का स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो कहा जाएगा एक्सेलरेटेड फ्रेम है, एक्सेलरेशन आएगा, इस एक्सेलरेटेड फ्रेम को क्या कहा जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो फ्रेम दो टाइप का होता है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक। ये फ्रेम ऑफ थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस विच शोज
पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एफ आर। फिगर ड्रा करेंगे, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस होता है। ठीक है बच्चों, अगर इसकी पोजीशन शो करना है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ से इधर देखा दो, पोजीशन शो कर देते हैं। तो इस तरीके से होता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होगा। एफ आर इज टू टाइप्स। पहला इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, जब कोई फ्रेम रेस्ट में हो या कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। व्हेन एफ आर इज एट रेस्ट और मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसे होता है। दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब कोई फ्रेम एक्सेलरेटेड होता है, जब उसका स्पीड चेंज हो रहा हो ना किसी फ्रेम का, तो उसे कहा जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। व्हेन एफ आर इज एक्सेलरेटेड, दैट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, तो उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा। बच्चे समझ गए ना, किसी कार की स्पीड बढ़ रही है या घट रही है तो वहां एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो इनर्शियल फ्रेम को होगा। समझ गए ना इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया को मैंने डिस्कस किया। लैंग्वेज देना जरूरी है बच्चों, लैंग्वेज इसलिए देता हूँ कि आप इस आप अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आपको आप अभी तक आपके माइंड में रहेगा, कुछ दिनों के बाद वो आउट हो जाएगा, तो फिर क्या रहेगा आपके पास, ये नोट्स ही रहेगा जो आपको हेल्प करेगा। और ये कंसेप्ट के बिना हम किसी क्वेश्चन पे सोच नहीं पाएंगे, इसलिए कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पहले जरूरी है, प्रॉब्लम अपने आप बनेगा बच्चों, प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ठीक है, तो कंसेप्ट पे पकड़ करना, ये पहले मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियोज बना रहा हूँ, बहुत टाइम देने के बाद मैं टॉपिक को सिलेक्ट करता हूँ, कौन सा टॉपिक आपको देना है, किसके बाद क्या देना चाहिए, जिससे कि आपको आसानी से कोरिलेट होता चले टॉपिक और आप उसे आसानी से सीख जाएं, रटना नहीं पड़े। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी इसे ज्वाइन कराइए ताकि वो भी इसका हेल्प ले सके। मैं एक एक पॉइंट को बेसिक से डिफिकल्ट तक जीरो टू हायर टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, मैं अपने सारे एक्सपीरियंस को मैं आपके सामने लाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोटबुक और पेन लेकर ही आप इसे देखिए। और आपको पता है ना कि 1 मिनट का भी शॉर्ट वीडियोज भी आपके यूट्यूब पर और फेसबुक पे सब रहता है, उसे भी सर्टेनली देखिए जब आपको टाइम नहीं है, तो 1 मिनट में रिविजन करना चाहते हो आप उसे सर्टेनली देखिए। लेकिन अगर उसमें और ज्यादा डिटेल में चाहते हो आप समझना, तो उसके लिए आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को देखिए। ओके, फिर शॉर्ट वीडियो ही सिर्फ बनाता हूँ मैं, हाफ आवर का ही वीडियो होता है। ओके, ठीक है बच्चों, आप इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर सर्टेनली करिए, ताकि मैं इंस्पायर होकर आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट वीडियोज बनाता रहूँ, लाता रहूँ आपके लिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हेलो डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ संतोष सर, यूनिक कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन से। देखिए अभी मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट लाया हूँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो जेई नीट और
ट्वेल्थ क्लास के लिए, इलेवेंथ क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये बच्चों। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, ओके क्या कहा गया, आपने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा इनर्शिया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फोर्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ फोर्स को पढ़ा। अब उस फोर्स के बारे में न्यूटन साहब ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा कि जब हम किसी बॉडी पे, जब तक किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तब तक वो बॉडी रेस्ट में रहेगा या कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करेगा। ओके रियली देखते हैं हमेशा, रियली अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो क्या वो मूव कर जाएगा, क्या उसका पोजिशन चेंज होगा, नहीं। अगर कोई मूव कर रहा है, कोई बॉडी मोशन में है, तुम एक्सीलेटर गाड़ी चलाते हो, एक्सीलेटर पे, एक्सीलेटर को छोड़ दो, एक्सीलेटर तुमको नहीं लेना है, तो क्या कॉन्स्टेंट स्पीड से चलता रहेगा वो, है ना। एक्सीलेटर लेने का मतलब क्या, फोर्स अप्लाई करना हो गया, आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस पर, तो जब तक आप एक्सीलेटर नहीं लोगे तब तक उसका स्पीड में चेंजिंग नहीं आएगा, या ब्रेक अप्लाई नहीं करोगे तब तक स्पीड में चेंजिंग नहीं आएगा। न्यूटन साहब का पहला रूल यही था, फर्स्ट लॉ इन्होंने पता लगाया यही कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब तक कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया जाए वो रेस्ट में ही रहेगा या कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा, यानी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में मतलब किसी बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो हो, किसी ऑब्जेक्ट पे तो आप नेट फोर्स जीरो अप्लाई कर रहे हो, कोई फोर्स अप्लाई नहीं अप्लाई कर रहे हो लेकिन नेट फोर्स जीरो है, टोटल फोर्स जीरो है, कैसे हो सकता है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए कुछ बॉडी पे, तब आपका वो रेस्ट में रहेगा या कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करेगा वो बॉडी, यानी वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। जब सोचिए कैसे हो सकता है नेट फोर्स जीरो, क्यों नहीं, अगर आप एक फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हो, इधर पुल कर रहे हो और एक इधर पुल कर रहे हो, दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो नेट फोर्स उस बॉडी पे क्या होगा बच्चों, जीरो, तो बॉडी रेस्ट में रहेगा या कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहां पे एप्लीकेबल होगा, जहां पे बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है, जहां पे बॉडी इक्विलिब्रियम में हो वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का केस है। अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या उसमें एक्सेशन होगा, नहीं होगा। एक्सेशन मीन्स क्या, क्या स्पीड चेंज होगा उसका, नहीं चेंज होगा, स्पीड चेंजिंग को ही तो कहते हैं एक्सेशन, स्पीड इंक्रीज कर रहा हो या स्पीड डिक्रीज कर रहा हो तो कहेंगे एक्सेशन है इसमें, और ना ही इंक्रीज कर रहा है स्पीड ना डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब कि एक्सेशन नहीं है, एक्सेशन नहीं है तो क्या उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं। फोर्स अप्लाई होने पे तो स्पीड चेंज होता है, स्पीड इंक्रीज करता है या स्पीड डिक्रीज करता है बच्चों, ठीक। तो वीडियो को आप रेगुलर देखते रहे बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को आपके सारे टॉपिक में मैं शो करा रहा हूं, बहुत सारा यूनिक कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, मेरा एक्सपीरियंस दिखेगा उसमें, किसी बुक में वो टॉपिक नहीं मिलेगा बच्चों। तो देखिए ईमानदारी से आप इसे देखते रहिए, नोट्स तैयार करते रहिए अच्छी तरह से, ये आपको पूरे, आपको पता है ना कि शॉर्ट वीडियो भी 1 मिनट का रहता है, शॉर्ट वीडियो को देखिए अगर टाइम कम है तो, या पूरे डिटेल में देखना है तो इस वीडियो सबको देखिए, हाफ आवर का ही तो वीडियो होता है, ओके। देखते रहिए, अपने फ्रेंड के बीच शेयर भी करिए, कभी वीडियो आने में डिले हो जाता है बच्चों तो इससे परेशान नहीं होंगे, ओके। कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण मैं वहां पे डिस्टर्ब हो जाता हूँ, रुक जाता हूँ, इसके कारण वीडियो नहीं आता है, लेकिन जब भी वीडियो आएगा बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट के साथ आएगा, यूनिक कंसेप्ट के साथ आएगा, जिससे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए। 1000 क्वेश्चन को बनाने से अच्छा है कि अपने उसके कंसेप्ट को अच्छी तरह से कम्प्लीट कर लो, एक ही क्वेश्चन को 1000 बार बना लो, 1000 क्वेश्चन खुद से बनेगा, ये कंसेप्ट अपने माइंड में हमेशा रखना बच्चे। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है देखिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ठीक
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा क्या क्या होता है कि जब भी हम जब तक किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक वो बॉडी रेस्ट में रहेगा या कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करता है। ठीक, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मूव्स विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अंटिल जब तक नहीं एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक बच्चों, अंटिल मीन्स जब तक नहीं, तो जब तक आप किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी क्या होगा, रेस्ट में रहेगा या कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। एक्सेलरेशन उसमें होगा क्या? नहीं, एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब स्पीड में चेंजिंग नहीं होगा ना। तो दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो एक्सेलरेटर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। ओके, एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो रहता है जब तक उस पर कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए, अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई। दूसरे वर्ड में आप ये भी बोल सकते हो ना, किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लो ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, इफ एक्सटर्नल अगर जीरो है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। या फिर क्या कर सकता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। मान लो एक कार है, ये कार है, कार अगर इधर मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है इसका? जीरो। इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक, ये क्या है? ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स अगर जीरो हो तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। नेट फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो होने से क्या कहलाता है? वो इक्विलिब्रियम कहलाता है, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक, इक्विलिब्रियम में होता है, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा। तो अदर वर्ड में हम और क्या कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होता है इफ इफ नेट इफ एक्सटर्नल नेट इज इक्वल टू जीरो, इज जीरो, देन ऑब्जेक्ट विल बी
ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम. ठीक है बच्चों, ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा. एन ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट एंड मूव्स विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. So, object will be at rest or moves with constant velocity. अगर ऐसा आपको दिखे तो आपको कहना है कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा. इट फॉलोज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अगर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसे फॉलो करता है उसे क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फॉलो करता है जो बॉडी रेस्ट में और कांस्टेंट स्पीड को मूव करता है. वो उस फ्रेम को क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इट फॉलोज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक ना बच्चों, क्या होगा इक्विलिब्रियम करने का मतलब क्या हुआ? जरा देखिए, ऐसा कोई ग्राउंड, ऐसा कोई सेलिंग है, एक ऑब्जेक्ट को आप यहां से हैंग कर दो, सस्पेंडर कर दो आप एक ऑब्जेक्ट को यहां से. यहां पे थ्री फोर्सेज अप्लाई हो रहा है. इसे स्ट्रिंग में एक फोर्स अप्लाई हुआ, मान लो एक फोर्स यहां पर F1 लग रहा है, एक दूसरा फोर्स इस पे इधर की ओर F2 लग रहा है इस पॉइंट पे, और एक तीसरा फोर्स F3 इधर लग रहा है, और यह 5 kg का है. तो इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है टोटल? ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, रेस्ट में है. इसका मतलब कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम कहलाता है. मतलब इस पे क्या है? एफ एक्सटर्नल नेट फोर्स 0 है. मतलब इसका ना आप डाउन कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो आप इसे नेट फोर्स क्या कहोगे? कि इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है F1, एक फोर्स इधर लग रहा है F2, और एक फोर्स इधर लग रहा है F3 अप्लाई हो रहा है. ठीक है बच्चों, तो इस पे नेट फोर्स तो 0 है. नेट फोर्स अगर 0 होता है तो इसे इक्विलिब्रियम में कहा गया. फिर इसके लिए क्या रूल है? साइन रूल को अप्लाई करते हो. साइन रूल या फिर वेक्टर में आपने पढ़ा था लमीज थ्योरम अप्लाई करते हैं. लमीज थ्योरम क्या कहता है? किसी ऑब्जेक्ट पे अगर 3 forces अप्लाई हो रहा हो और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तो प्रत्येक फोर्स जो होगा वो उस फोर्स और साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 forces का रेशियो अगले फोर्स और साइन ऑफ एंगल बिटवीन अगर 2 forces के रेशियो के बराबर होता है. जैसे मान लो आप F1 और F2 के बीच में यहां पे एंगल है, मान लीजिए ये अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल गामा है. ठीक है बच्चों, तो इक्विलिब्रियम समझने के बाद फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है. तो इक्विलिब्रियम जानने पर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा हम जानते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन करने का क्या ट्रिक है? ट्रिक उसका यही है, लमीज थ्योरम के अनुसार, बाय लमीज थ्योरम. अगर और जगह डिटेल में देखना हो तो वेक्टर वाले वीडियो में आप देख लीजिए, उसमें आपको लमीज थ्योरम प्रूफ किया हूं मैं. तो यहां क्या कहेगा? F1 अपॉन साइन ऑफ किसके बीच का एंगल? अदर 2 forces का. अदर 2 forces कौन है? F1 को छोड़कर F2 और F3 है. इसके बीच कौन सा एंगल है? बीटा होगा बच्चों.
अब दूसरा क्या होगा एफ टू बाई, तो एफ टू आपने लिखा, इसे छोड़कर अदर टू फोर्सेज कौन है एफ वन और एफ थ्री, इसके बीच कौन है गामा, तो ऐसे लिखेंगे हम साइन गामा। तीसरा क्या होगा एफ थ्री अपॉन, एफ थ्री देख रहे हैं ना आप, इसके बीच एफ थ्री को लिखा आपने, एफ थ्री को छोड़कर अदर टू फोर्सेज क्या है अल्फा, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा साइन अल्फा। ये है लमीज़ थ्योरम। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमें इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ता है बच्चों। इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कंपोनेंट के मेथड से भी, कंपोनेंट में रिजॉल्व करके भी बना सकते हो। दो मेथड से आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस को सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जो भी बॉडी फॉलो कर रहा है उसको सोल्व करने का रूल या तो लमीज़ थ्योरम से सोल्व करेंगे, या फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा कंपोनेंट में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्व करके सारे फोर्सेस को रिजोल्व करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन लिखते हैं। इसी को अगर दूसरे मेथड से आपको बनाने के लिए कहा जाए, मान लो आप यहां पे ओके, यहां पर कह दिया गया कोई एंगल है, यहां पे कोई एंगल है, यहां भी कोई एंगल आया होगा, तो आप इसके बीच एंगल कैसे शो करोगे, इसके बीच आप एंगल शो करेंगे कैसे। यहां पे मान लीजिए थीटा दिया है, थीटा वन, और यहां पे थीटा टू है, तो यहां से ये इसको ऐसे मिलाओगे आप, इधर इधर होगा थीटा वन, ये क्या है 90 है, तो 90 प्लस थीटा वन को मान लिया गामा, और इधर वाले को क्या कहोगे आप, ये तो 90 डिग्री है, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा वन, ये एंगल 90 माइनस थीटा वन होगा, फिर ये थीटा टू है, ये 90 है, इस एंगल को आप क्या लिखोगे 90 माइनस थीटा टू। क्यों एंगल डिफिकल्ट, सिंपल होता है, जब ये है थीटा टू तो ये एंगल भी होगा थीटा टू बच्चों, और ये 90 डिग्री है, ऐसे एंगल कॉन्डोर लिखते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसे आप फर्स्ट मेथड कराया इक्विलिब्रियम में जब भी आएगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, या सेकंड मेथड होगा जो होगा इसका ये होगा बाय रिजोल्यूशन रिजोल्विंग ऑफ फोर्स को रिजोल्व करके भी एंड बाय इक्वेशन। इस मेथड से भी हम लोग इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो इसे नोट करिए, फिर हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को करना है, इक्विलिब्रियम के सारे केसेस इस पे होते हैं। दो मेथड से हम लोग सोल्व करते हैं इसे, ठीक है, अच्छा तो इसे नोट करिए, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे।